हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 विषय गणित और कक्षा नवी का पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है 729 की घात 1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 9 सही रहेगा। निम्नलिखित में से एक्स अक्ष के बिंदु के निर्देशांक किस कौन से बिंदु स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्या एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर संख्या क्या होगी, तो वो किसी भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। और यहाँ पर आपका 4/5 और 1/5 का योग कितना होगा, तो 4/5 और 1/5 का जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 28×21 और खाली स्थान है आपका और 42, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा, 14 सही आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य बहुपद की घात 0 होती है। 2π एक अपरिमेय संख्या है। 1 की घात 0 का मान सदैव 1 रहता है और इसका शून्यंक होगा -5/2। फिर आगे देखते हैं, इसका जब सॉल्व किया हमने माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गया 2 और माइनस प्लस का 2, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। बहुपद है जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 3 हो जाएगा। अब जोड़ी को कवर कर लेते हैं, फटाफट एनालिसिस कर देते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पहले वाली जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ वाला सही रहेगा। माइनस का 1 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आएगा ए वाला माइनस का 36, इसका गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 7 ऑप्शन ई, और 36.5 माइनस 5 गुणित कोष्टक के अंदर माइनस 5.4, तो इसका हो जाएगा आपका 63.5। 5/4 पाँचवें का हो जाएगा आपका 1.5 और 2.4 का हो जाएगा आपका 0.24। ये जोड़ी कवर करने के बाद अब हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक शब्द में उत्तर हमारा रहेगा, रेखीय समीकरण में कितने शून्यंक हो सकते हैं, तो एक रेखीय समीकरण में 1 शून्यंक होता है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इसका एक ऐसा बहुपद कहलाता है जिसमें सभी गुणांक इसके 0 होते हैं, तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। और इसका 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। 59/6 का शेषफल आई होप आपने भाग लगा दिया होगा। और 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसका 3/2 मैंने उत्तर दिया, आपने अपने हिसाब से दिया होगा, वो भी सही रहेगा। एक रेखीय बहुपद की घात 2 होती है, एक रेखीय बहुपद की घात 2 होती है असत्य, क्योंकि एक रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष ये सत्य होते हैं। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, नहीं, क्योंकि ये नीचे से खुली हुई होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। सड़क बनाने के लिए प्रयुक्त रोलर के पहिए बेलनाकार आकृति होती है, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक बहुपद एक द्विपद बहुपद असत्य, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो द्विपद हो, एक पद हो सकता है, त्रिपद चार पद भी हो सकता है। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी, बिल्कुल सत्य आपका आंसर रहेगा। अब आपके पास 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्यूशन सहित फुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करने वाला हूँ पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट देखें, इसके अंत तक बने रहें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की अपडेट मिलते रहे। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ इसका पार्ट 2। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।